राम मंदिर का पहली बार शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989 को और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जहां पर आपको बता दें कि जो ये लंबा विवाद चला रहा था उसमें रामलला के पक्ष में 9 नवंबर 2019 को ये फैसला आया था। काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, इसलिए ये तारीख बेहद अहम हो जाती, विशेष है 9 नवंबर की तिथि, क्योंकि 9 नवंबर 1989 को पहली बार शिलान्यास हुआ था और राम मंदिर का पहली बार शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989 को। इसी के साथ ये तारीख और बेहद खास हो जाती है, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था श्री राम लला के पक्ष में, ये फैसला आया था रामनगरी में पहली बार, योगी की कैबिनेट बैठक भी आज ही है, आज भी 9 तारीख है, इसलिए ये तारीख जो है बेहद खास बन जाती है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि विशेष है 9 नवंबर की तिथि, विशेष इन लहजों में, क्योंकि 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ था, राम मंदिर का पहली बार शिलान्यास हुआ था। इसी के साथ 9 नवंबर 2019 की अगर हम बात कर ले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, रामलला के पक्ष में फैसला आया था और काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, उस विवाद पर जो है ठहराव लग जाता है और रामलला के पक्ष में ये पूरा फैसला आ जाता है। दो तस्वीरें, एक तरफ से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर रामलला के दर्शन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है तारीख, और इसी के साथ साथ कई अहम प्रस्ताव हैं जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लगनी है, जो पास हो सकते हैं। तो अयोध्या में कैबिनेट बैठक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और हनुमानगढ़ी के और रामलला के दर्शन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए। इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर वो पहले हनुमानगढ़ी की तरफ गए, उसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए। उसके बाद आपको बता दें कि दर्शन करने के बाद सभी मंत्री सीएम के साथ सरयू होटल में लंच करेंगे। देखिए अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, सरयू होटल में लंच का प्रोग्राम रखा गया है और इसी के साथ साथ 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी कही जा रही है। और इसी बीच प्रशांत शुक्ला हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज कैबिनेट की बैठक होनी है और ये तारीख बेहद खास हो जाती है क्योंकि शिलान्यास हुआ है इस दिन और आज कैबिनेट की बैठक भी है और रामलला के पक्ष में भी आज की ही तारीख में जो है फैसला आया था, बैठक होनी है, बैठक को लेकर अगर हम बात कर ले तो कैबिनेट की बैठक होनी है, किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? जी बिल्कुल निशा जी, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 तारीख जो है बहुत ही अहम है और जैसा कि आपको पता है 11 तारीख को दीपोत्सव का बहुत बड़ा महोत्सव जिसमें 21 लाख दिया से प्रज्वलित किया जाएगा, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या इस बार अपना खुद का रिकॉर्ड फिर से तोड़ेगी और उसी को लेके 11 बजे योगी जी और मंत्रिमंडल, सारे 15 से ज्यादा मंत्रिमंडल पहुंच चुके हैं अयोध्या में और बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं पे बड़ी हस्ताक्षर साइन हो सकते हैं योगी जी के। और जैसा आपको बताना चाहेंगे 2019 में प्रयागराज के कुंभ मेले में दौरान हुई थी कैबिनेट की बैठक और आज 2023 में अयोध्या में हुई कैबिनेट की बैठक और जैसा कि सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी बैठेंगे और लगभग प्रदेश के कई डीजीपी व कई बड़े मंत्रिमंडल, 15 से ज्यादा मंत्रिमंडल यहाँ मौजूद हैं और 12:30 बजे मीडिया रामकथा पार्क में आमंत्रित किए गए हैं और उनके सारी समक्ष, सारे मंत्रिमंडल के समक्ष सारी जो बड़ी योजनाएं हैं वो बताई जाएंगी। प्रशांत, वही बात कर लें, ये भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल सूचना विभाग की तरफ से सारे प्रेस मीडिया को अयोध्या की तरफ से पहले से सूचना आ चुकी है कि 12:30 बजे रामकथा पार्क में आमंत्रित किए गए सारे पत्रकार और उसमें से उनको अपना परिचय पत्र और मान्यता कार्ड जरूर अवश्य लेके आना है जिससे सिक्योरिटी के कोई वैसे फॉल्स न हो सके। और वहीं अगर बात कर ली जाए तो इतिहास में शायद ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजधानी लखनऊ से बाहर निकल के कैबिनेट बैठक की है, इससे पहले प्रयागराज में हो चुका है, काशी में हो चुका है और अब अयोध्या के बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, जैसे प्रयागराज में हुआ था, काशी में था और पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लखनऊ से निकल के बाहर मंत्रिमंडल, 15 से ज्यादा मंत्रिमंडल और डीजीपी कई बड़े अधिकारी उसमें मौजूद हैं और कई बड़े सौगात को ये आज बता सकते हैं। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अयोध्या से तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले अयोध्या पहुंचे, जहां पर हनुमानगढ़ी के दर्शन उन्होंने किए, उसके बाद रामलला के दर्शन किए और साथ ही साथ आज की तारीख बेहद खास, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं, विशेष है 9 नवंबर की तिथि क्योंकि आज ही के दिन शिलान्यास हुआ था और आज ही के दिन रामलला के पक्ष में फैसला आया था और आज ही के दिन कैबिनेट की बैठक हो रही है
और कैबिनेट की बैठक यहाँ रखने का कारण ये भी है क्योंकि दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, उससे पहले वहाँ की भी समीक्षा कर ली जाए, इसलिए कैबिनेट बैठक को यहाँ पर रखा गया है। कई तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं अयोध्या को लेकर, अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर चर्चा होनी है, तो इसलिए ये तारीख जो है बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से 22 जनवरी की अगर बात कर लें, प्राण प्रतिष्ठा जो है रामलला की यहाँ पर होने वाली है, तो उससे पहले तमाम तरीके की तैयारियों को जांचने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, कैबिनेट बैठक ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कैबिनेट बैठक राजधानी से बाहर हो रही है, उससे पहले प्रयागराज में, उसके बाद काशी में और अब अयोध्या में। आपको बता दें कि ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है जहाँ पर 5,000 करोड़ के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। तो अयोध्या की ये तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी